दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती की। जो आर्मी भर्ती निकली हुई है जो ESC सेंटर साउथ में निकली कर्नाटक बंगलुरु की तरफ से, तो गाइज इस वीडियो में फुल डिटेल्स हैं आपको बताने वाले हैं कि आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे, इसमें कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन सी पोस्टें हैं और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और फार्म भर के पूरा डिटेल्स हैं आपको बताएँगे किस तरह से आप फॉर्म भरोगे। तो गाइज जो लोग ये कहते रहते हैं कि ये नोटिफिकेशन फेक है, तो वो उन लोगों को पहले बता दें कि ये जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में छपी थी न्यूज़, और जो है जो न्यूज़ एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपती हैं वो वैकेंसियाँ गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती हैं तभी उसमें छपती हैं। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी दिखाएँगे, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। तो गाइज इसमें टोटल वैकेंसियों की बात की जाए तो इसमें 400 पोस्ट टोटल रखी गई हैं, 400 पोस्ट रखी गई, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट रखी गई, सिविलियन मोटर ड्राइवर की रखी गई, क्लीनर की रखी गई, कुक की रखी गई, सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर की रखी गई हैं, और लेबर MTS सफाई वाला की पोस्टें रखी गई। इसमें योग्यता रखी गई 10वीं पास है, एज 18 से 27 साल के बीच हो तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 18 सितंबर रखी गई है। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 19,000 आपको मिलेगी। इसमें अप्लाई मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं गाइस, इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो गाइज ये रहा इसका नोटिफिकेशन, आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ सकते हो वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्टें रखी गई हैं, यहाँ पर टोटल 115 रखी गई हैं। जर्नल वालों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं गाइज 50, SC वालों के लिए 3 रखी गई, ST वालों के लिए 29 रखी गई, OBC वालों के लिए 22 रखी गई हैं, EW वालों के लिए यहाँ पर 11 रखी गई हैं, और यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया। तो आप लोग देख सकते हो क्लीनर की पोस्टें यहाँ पर रखी गई, ओनली मेल इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर 67 पोस्टें टोटल रखी गई हैं। बाकी आप लोग साइड में देख सकते हो 23 पोस्टें जर्नल की हैं, 2 SC की हैं, 14 ST की हैं, 22 OBC की हैं, 6 WS की हैं, और गाइज यहाँ पर कुक की रखी गई, ओनली मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इनमें 15 पोस्टें रखी गई SC और जर्नल और SC की, कोई पोस्ट नहीं रखी गई ST और OBC की, और जनरल EWS वालों के लिए एक पोस्ट रखी गई है, सिविलियन की रखी गई, इंस्ट्रक्टर की हैं, तो इसमें गाइस 2 पोस्टें रखी गई हैं। बाकी लेबर की रखी गई, लेबर में गाइस रखी गई हैं 193 पोस्टें, जनरल वालों की 77 हैं, SC वालों की एक पोस्ट भी नहीं है, ST वालों की 54 है, और OBC वालों की 49 हैं, और EWS वालों की यहां पर रखी गई हैं 19 पोस्टें रखी गई हैं। MTS सफाई वाला की गाइस यहां पर रखी गई हैं पोस्टें, जनरल की रखी गई 7 हैं, यहां पर टोटल पोस्टें 7 रखी गई हैं, जनरल की 7 हैं, OBC की यहां पर टोटल पोस्टें 7 हैं सफाई वाला की, और जनरल की 3 लिखी गई हैं, OBC की 4 रखी गई हैं, टोटल पोस्टें 400 हैं गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी पोस्ट कहाँ पर कितनी पोस्टें रखी गई हैं, तो वो पोस्टें आप लोग देख सकते हैं, और अपनी स्टेशन को आगे आप जो फॉर्म भरोगे तो उसमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्टेशन दे रखी है, हम बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, और यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम भी होने वाला, एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पर 4 पार्ट रखे गए हैं, जिसमें आपकी जो है पहले में तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी जो कि 25 नंबर की होगी, और आपकी जनरल नॉलेज होगी यहाँ पर जो कि 25 नंबर की होने वाली है गाइज, सॉरी गाइज यहाँ पर तो यहाँ पर जनरल नॉलेज 50 नंबर की रहने वाली है आपकी, जनरल नॉलेज 50 नंबर की रहेगी, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की रहने वाली, इंग्लिश आपकी 50 नंबर की रहने वाली है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर मैथ आपकी रहने वाली है 25 नंबर की। तो 150 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, तो सिलेबस आप लोग इसको पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो बढ़िया से, और एक एक चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर कुक के क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, सबके लिए हाई स्कूल रखाया गया है इसमें, और कुछ के लिए आपको यहाँ पर डिप्लोमा भी मांगा गया, एक्सपीरियंस मांगा गया, कुल मिला के एक्सपीरियंस जो है आप लोग बनवा भी सकते हो। तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप लोग देख सकते हो, इसमें क्या क्या भरना अभी आपको भर के दिखाएंगे। यहाँ पर जो है पोस्ट कौन सी अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट का नाम डालना है, यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, ईमेल ID, आधार नंबर, फादर नेम डालेगा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो एजुकेशन सर्टिफिकेट में, हाउस नंबर, विलेज और पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पेंडेंस एड्रेस एक ही, तो यहाँ पर सेम कर देंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको भरना पड़ेगा, कितना नंबर लाए हो, यहाँ पर जेंडर कैटागरी SC ST कैटागरी से,
अगर आप यहाँ इसका ये आप फॉर्म जो अगर आपको ना मिले तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। उसके बाद आपको किस तरह से भरना है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप एडमिट कार्ड जो आपका डुप्लीकेट आएगा उसको यहाँ पर आपको सही से भरना है, रिसेंट फ़ोटो लगाना है और सिग्नेचर करना है और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है यहाँ पर। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं अप्लाई करने का फुल प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या है अपना पोस्ट डालना है, उसके बाद नाम अपना डालना है, उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद जो है आपको पोस्ट ऑफिस अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सेम कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है आप क्वालिफिकेशन डालेंगे, आप किस स्कूल से पास किया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, मार्क कितने नंबर लाए थे वो डालेंगे, रिमार्क में पास डाल देंगे, उसके बाद जो भी आप मेल हैं तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल कर देंगे, आपकी कैटेगरी जर्नल है तो जर्नल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर फिजिकल हैंडीक्रेप वालों के लिए तो यहाँ पर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद इसको ये हैंडीक्रेप वालों का इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको चॉइस स्टेशन, स्टेशन वाला भी आपको मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया था तो अपनी स्टेशन चूज कर सकते हैं, तीन स्टेशन आप डाल सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म में सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद आपके सामने कुछ उसके बाद आपको क्या करना है तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि फॉर्मेट द एप्लीकेशन द कवर, तो यहाँ पर अपनी पोस्ट ऊपर डाल लेना है, जो भी आपकी है लेबर पोस्ट है या जितनी पोस्टें कुकुक की जो आप भर रहे हैं वो अपनी डालेंगे। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अगर आपके 50% से नंबर कम है या 50% है तो आप रेड पेन से यहाँ पर साइन करेंगे, अगर आपके 60% है तो ब्लू पेन से करेंगे, अगर आपके 60% से ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पर आप ब्लैक पेन से साइन करेंगे। तो यहाँ पर साइन देख सकते हो और फॉर्म भरने का एड्रेस ये आप लोग देख सकते हो, इस एड्रेस पर आपको भरना है, भेजना है। तो किस तरह से भेजना है तो अभी बता रहे हैं आप लोगों को हम। तो आपको दो इनवलप ले लेना है, तो यहाँ पर इनवलप लेने के बाद जो है इसको फॉर्म को अंदर भर देना है, उसका सारी डिटेल्स भर लेना, भरने के बाद इसको अंदर पैक कर लेना, पैक करने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, इसमें अपने माता पिता का नाम, गांव, विलेज ये सब भर देना है, एसटीडी कोड वगैरह सारा कुछ भरने के बाद आपको एक बड़ा लिफाफा ले लेना है। बड़ा लिफाफा लेंगे, बड़ा लिफाफा लेने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही बड़ा लिफाफा लोगे तो उसके बाद ऊपर लेबर लिख देना आपकी जो भी कैटेगरी, कैटेगरी लिखें कितने परसेंट हाई स्कूल में थे, और यहाँ पर एड्रेस जहाँ को भेज रहे हैं आपको स्पीड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है, टिकट आपको कम से कम महंगे से महंगे ही टिकट लगाना तभी आपका एडमिट कार्ड आ पाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने के बाद आप स्पीड पोस्ट करेंगे तभी बढ़िया रहेगा, टिकट ज़्यादा से ज़्यादा महंगी लगाएं उसमें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।